गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक विज्ञप्ति शुद्धि पत्र जारी हुआ है, जिसमें पटवारी और लेखपाल में जो विज्ञप्ति थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो क्या वो चेंजेस हुए मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले आपको 513 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, अब पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल मिला के 41 पदों पर वृद्धि हुई है। पटवारी के पद बढ़े हैं और वहीं लेखपाल के पदों में भी वृद्धि हुई है कुछ ज़िलों में। ठीक है, और फिजिकल में भी चेंजेस हुए हैं। तो क्या वो चेंजेस हैं मैं आपको बताता हूँ कि क्या आयोग द्वारा आज संशोधन हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये रिक्तियों का विवरण है, यहाँ पर आप देखेंगे चंपावत, सबसे पहले जो चंपावत है वहाँ पर पटवारी के पद, ठीक है, तो चंपावत में जो पटवारी के पद थे वो 23 थे। चंपावत में जो पटवारी के पद थे वो 23 थे पहले, तो 23 पद थे पहले, तो अब वो बढ़ा के कर दिए, कितने कर दिए, अब बढ़ाकर कर दिए गए हैं 26 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 26 पद हो गए हैं वहाँ पर चंपावत में। इसके अतिरिक्त ये जो दूसरा है यहाँ पर उत्तरकाशी में जो पद थे 38, ठीक है, वहाँ पर भी वृद्धि कर दी गई है पदों में, तो 22 पद वहाँ बढ़ दिए गए हैं, 60 हो गई है वहाँ पर संख्या। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी चंपावत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा हरिद्वार में लेखपाल के 35 पद थे, जिनको अब वहाँ पर 16 पद बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, हरिद्वार में 16 पद बढ़ गए हैं उसके, तो ये आपको नया चेंजेस दिखेगा। ठीक है, तो केवल पटवारी के पद वहाँ बढ़े हैं और यहाँ पर आपको लेखपाल के पद हरिद्वार ज़िले में बढ़ा कर दिए गए हैं। ठीक है, कुल मिला के 51 पद हो गए हैं अब, तो ये भी स्टूडेंट भी वहाँ के स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। तो ये चेंजेस आयोग ने किए हैं। इसके अलावा कुछ चेंजेस उन्होंने लेखपाल की शारीरिक दक्षता में किए हैं। ठीक है, इससे पहले बोला गया था कि भैया 9 किलोमीटर को दौड़ना है 60 मिनट में पुरुषों ने, और महिलाओं ने 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन अब पुरुषों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर हो गया है और वहीं 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर महिलाओं के लिए हो गया है। ठीक है, ऐसा था पहले जो दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं नीचे जो ये जो सेंटीमीटर सीना फुलाव था, पहले इतना था 84 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य था, पर्वतीय मूल के निवासियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट अनिवार्य थी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये विज्ञापन संख्या 32 थी उक्त सीमा में तक ही संशोधन समझा जाए। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि को विज्ञापन से विलोपित समझा जाए। ठीक है, मतलब ये शर्तें हटा दी गई जो शर्त पहले दी गई थी। तो मिला के ये जो लेखपाल की सहायक दक्षता में जो ये मांग चल रही थी स्टूडेंट की, उसको अब विलोपित समझा जाए, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं कि महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए, ऐसा जो भी शर्तें थी विज्ञापन प्रस्तुतु में, को विज्ञापन से विलोपित समझा जाए। ठीक है, जो ऊपर मैं पढ़ा था अभी आपको ले कि 60 मिनट में 9 किलोमीटर और 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर के स्थान पर अब वो 7 मिनट में इतना हो गया है, 60 मिनट में 7 किलोमीटर हो गया है, और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सेंटीमीटर का फुलाव है, ये चीज़ें विज्ञापन से विलोपित समझी जाएँ, ऐसा आयोग द्वारा अभी नोटिफिकेशन आया है। ठीक, तो अब ये जो चेंजेस की मांग चल रही थी वो हो चुकी है। पदों की संख्या पटवारी की बढ़ी है और कहीं कहीं लेखपाल की बढ़ी है। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे, मैं आपको ये दोबारा से दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस किए गए हैं, ये आपके लिए आज की आयोग की लेटेस्ट न्यूज़ है ये। ठीक, अब अपने जो फॉर्म है उसको फिल कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। ठीक, आज के लिए इसमें इतना ही, यही चेंजेस हुए हैं बस आज।